अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हो आप सब? और जैसे कि मैं बस सुबह उठी, मैंने नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता करने के बाद मैंने बस व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी। और मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी बातें करूँ, थोड़ी गपशप करूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मेरी जर्नी, मतलब यूट्यूब की जर्नी है, वो मैंने कब से स्टार्ट किया, मेरा कब माइंड बना कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ। और अब यकीन कीजिए, बिल्कुल रैंडम मेरा माइंड था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ अपना। और मुझे बहुत शौक चढ़ गया अचानक से बैठे बैठे कि मैं यूट्यूब चैनल अपना बनाऊँ और मैं कुछ करूँ, आगे पहुँचूँ। मुझे इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने का बहुत शौक है शुरू से। मेरा माइंड इस तरह कही है ना, मतलब अपने पैरों पे खड़े होके अपने लिए कुछ करना। और आप सीरियसली आप यकीन कीजिए, शुरू से मतलब शादी से पहले जो मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, और इसके बाद फिर मैंने मेकअप का किया। मेकअप का भी इनके मैंने मेकअप की कोई क्लास नहीं ली, खुद से मैंने सीख के यूट्यूब से काफ़ी अर्न किया। और इसके बाद अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अर्न करती हूँ मेकअप से। तो उसके बाद यूट्यूब का ये था कि मुझे बैठे बैठे यूट्यूब का शौक चढ़ा, क्योंकि आजकल बहुत लोग मतलब ट्रेंडिंग पर चल रहा है यूट्यूब ना, हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है और अच्छी बातें करना भी चाहिए। और ये कि मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना है कि हम लोग मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं कि तुम बोर नहीं होती घर बैठे? तो मैं उनसे ये बोलती हूँ हमेशा कि बोर होने वाला कुछ होता ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि आपको पता है कि घर में 10 काम होते हैं, ठीक है। और बच्ची का पता है आपको, बच्ची के साथ होता है, बस बच्चों के 10 काम होते हैं भाई, और ये थोड़ी सिर्फ एक काम थोड़ी होता है। और क्या कहते हैं, आपको पता है मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो बहुत काम होते हैं, मसला नहीं काम का। तो लेकिन यही बात है ना कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम बोर नहीं होती हो अकेले बैठ के? तो बोर होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। मैं अपने आप को इतना बिज़ी रखती हूँ, घर के काम वगैरह हो गए, नमाज ये वो, और क्या कहते हैं, अभी तो मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो आपको पता है व्लॉग बनाना आसान नहीं होता और टाइम निकालना पड़ता है, वीडियो एडिट करना मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगते हैं वीडियो एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में, फिर जो आगे पीछे मुझे लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा वीडियो को मज़ीद अच्छा करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा मेहनत करती हूँ। और आपको पता है आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, और मेरी कोशिश रहती है मेरा कंटेंट अच्छा हो, और मेरी कोशिश बस यही रहती है मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ और आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छे लगे मेरे व्लॉग्स। जैसे हमेशा आप प्यार देते हैं, और बहुत बहुत आपका अल्लाह आप लोगों को खुश रखे कि आप लोग इतना प्यार देते हो मुझे। और मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, और बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप अर्न कर रही हैं यूट्यूब से या नहीं, तो मैं भी अर्न नहीं कर रही हूँ। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं अर्न नहीं कर रही हूँ, मुझे तो बहुत शौक है व्लॉगिंग करने का। और हुआ तो ठीक है, ग्रो नहीं हुआ चैनल तो मैं करती रहूँगी, मैं छोड़ूंगी चैनल अपना ना, मुझे इतना शौक है व्लॉगिंग करने का। बट बच्ची का साथ है बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, और मैं रोज़ाना वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ आजकल तो। लेकिन चलो खैर है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ाना कर पाऊँ वीडियो शूट, बट नहीं हो पाता ना। और यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगी कि क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि सीरियसली मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं, और मैं कब सिंगल लाइफ से किस तरह हाउसवाइफ बन गई और अब एक बच्चे की माँ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बोलते हैं ना, लाइफ के स्टेप्स होते हैं तो आपको उस चीज़ों को लेके चलना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी की लाइफ को लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ, बट मेरी नज़र में लाइफ बहुत अच्छी है। आपको ख़ुद को मैनेज करना, मतलब लाइफ को मैनेज करना आना चाहिए, रिस्पॉन्स। हाँ, ये कि शादी के बाद की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी, और बस ये चीज़ें होती हैं, आपको बस लेके चलना आना चाहिए। और लाइफ शादी की बात की लाइफ बुरी नहीं है, बहुत से लोगों ने इसको बहुत बुरा बनाया हुआ, बट ये लाइफ इतनी बुरी है नहीं, बहुत अच्छी लाइफ होती है शादी के बाद की लाइफ, शादी से पहले की लाइफ भी का अलग मज़ा होता है, शादी के बाद की लाइफ का भी अपना मज़ा है। तो हर चीज़ को इंसान को इन्जॉय करना चाहिए मुझे लगता है ना। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, और मैं बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। और क्या चाहिए, जब इंसान की लाइफ देखिए, इंसान की लाइफ में पैसा हो ना हो, और आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं बोलते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में सुकून होना ज़रूरी है। तो बस अगर आपकी लाइफ में पैसा नहीं है, अगर आपकी लाइफ में थोड़े बहुत मसले मसाइल है, तो उसको मैनेज कर लें आप। अगर आपकी लाइफ में सुकून है तो सुकून से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। और अल्लाह ने आपको सेहत दी है, सेहत वाली ज़िंदगी दी है, और आपकी सेहत बिल्कुल हेल्दी लाइफ है आपकी, और आपकी हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर से ही चल रही है, और आपकी मतलब इस तरह ज़िंदगी में सुकून है, तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता सीरियसली। और इसमें खुश रहें, और जितना है उसमें खुश होने की कोशिश करें, खूब से खूब तक की तलाश में ना रहें। और मेरा तो बस यही मानना है कि आप जैसी भी आपकी लाइफ है, आप अपने से नीचे को देखें, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा फिर होगा कि लोग कितना परेशान हैं। तो बस हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें हर चीज़ में। मेरा तो यही होता है कि मैं हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और
और दूसरी बात ये कि अगर मेरे चैनल को न्यू वॉच करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें हो गई आप लोगों से, और अब मैं खाऊंगी खाना। तो पता है आपसे बात करते करते मुझे क्रेविंग हो गई है मैगी नूडल्स की ना, कनौर के। तो ये चीज़ी फ्लेवर है इसका, बड़ा मज़ेदार, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मुझे तो बहुत क्रेविंग हो रही थी इसकी, मैंने फ़ौरन मंगवाया और मैं बना के खाया इसको। अब मैं करूँगी व्लॉग का एंड। होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।